जैन चौक के व्यापारियों ने आज एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें नगर व्यवहार मंडल के प्रधान भानु प्रकाश ने कहा, पिछले बुधवार की रात सराफा व्यापारी देवेंद्र पर हमला करके लूटपाट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। गिरफ्तारी न होने पर गहरा रोष प्रकट करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया तथा प्रशासन को चेतावनी दी, 9 मार्च तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो 10 मार्च को जैन चौक के व्यापारी अपना कारोबार बंद रखकर विरोध करेंगे तथा आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए तथा व्यापारियों के आन लाइसेंस बनवाएं ताकि व्यापारी अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। बुधवार की रात को सराफा व्यापारी देवेंद्र अपने दुकान से कैश और सामान लेकर बडाला जा रहा था। उसकी रास्ते में शांगा के पास लूटपाट हुई और मारपीट हुई, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं लगा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज सभी व्यापारी इकट्ठे हुए थे और ये विचार किया कि जब तक प्रशासन पर दबाव नहीं बनाया जाता तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि पहले फर्स्ट डे CIA सदर SHO सभी एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद है ना शायद मामला थोड़ा सा ढीला हो गया। तो दबाव बनाने के लिए प्रशासन पर आज मीटिंग हुई, पूरी रूपरेखा बनाई गई। तो लोगों का कहना था कि 10 तारीख को जैन चौक का एरिया जहाँ वारदात हुई है वो सारा का सारा बंद रहेगा अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तो। 10 तारीख को जब बंद होगा तो वहीं बैठ के फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि भाई अब अगला कदम क्या उठाया जाए, और जो भी कदम व्यापारी कहेंगे व्यापार मंडल उठाएगा। आज आर्म का लाइसेंस अगर कोई व्यापारी अप्लाई करता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। राजनेता की कोई अप्लाई करता है या राजनेता सिफारिश करता है तो दे दिया जाता है। तो किस व्यापारी आर्म के लाइसेंस दिए जा रहे हैं? होना तो चाहिए कि व्यापारियों को आर्म के लाइसेंस दे ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। एक ये बात, लाइसेंस जल्द से जल्द बनाए जाए ताकि पुलिस की सुरक्षा के बजाय वो अपनी खुद की सुरक्षा कर ले।